सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी ना इन्होंने देखा है। हाँ क्या? हाय करो, हाय हाय करो, हाय हाय। अरे वाह, गुड बॉय। पूछो आप सभी कैसे हैं? नहीं बाय, वो बाय नहीं कर रहे हैं, आपको हाय कर रहे हैं। तो ये ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ दोपहर से, क्योंकि मॉर्निंग से मैं थोड़ा कुछ काम करने गई थी और वो फिनिश करके अभी मैं वापस लौटी हूँ। हाँ हाय दादी। और क्या करना है? हाँ अब हम जा रहे हैं बुटीक, क्योंकि देवरानी ने कहा था चलना है दीदी। उस टाइम पे हम गए थे तो हमने एक ही साड़ी का वो सिलवाया था, क्योंकि पता है क्या हुआ था कि हमें ज़रूरत थी। हमने सोचा चलो देखते हैं पहले, क्योंकि मैं पहली बार गई थी उस बुटीक पे, इसलिए मुझे थोड़ा डर लगता है कहीं पर भी अपने कपड़े देने से। हालांकि मैं भी स्टिच कर लेती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल कर नहीं रही हूँ। तो अब कुछ दिन के लिए जब मैं मायके जाऊँगी ना, तब देखती हूँ, वहाँ कुछ स्टिच करूँगी, अपना मन से कुछ बनाने का दिल करेगा तो ज़रूर करूँगी। तो अभी जा रही हूँ, तो देवरानी को बोल दिया है, वो आ रही हैं ऊपर, वो भी लेके चलेंगी साड़ी, उन्हें भी कुछ काम करवाना है इसलिए। और मैंने शादी में गई थी वो ब्लॉग मैंने डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा और बने रहिएगा, क्योंकि ये ब्लॉग हो सकता है मैं कल तक इसको कंटिन्यू रखूं, मे बी, कंफर्म नहीं है अभी, और हो सकता है तो मैं आज भी डाल सकती हूँ इसको, तो इसलिए चलिए अब मिलते हैं। आ जाएँ देवरानी, फिर आपसे मिलवाती हूँ। ठीक है गाइस, तो हम निकल आए हैं, इन्हें भी ले लिया साथ में। अब तो मेरे भाई बहन भी कहते हैं अब तो तुम्हारे बहुत पार्टनर बन चुके हैं, अब तुम्हें किसी की क्या जरूरत है। ये पकूं, अच्छा इधर पकौती हूँ, उधर पकौती हूँ, ये भी साथ में ही है, क्योंकि इनको ना केक खाना है। कई दिन से इनके पापा भी बोल रहे हैं खिला दो खिला दो, वो भेज रहे हैं, मैं मना कर देती हूँ। तो आज इनके लिए भी केक दिलवाना है, क्योंकि भैया मेरे बच्चे का बड़ा मन कर रहा है केक खाने का। मुझे भी केक खाना है, हैप्पी लूलू मैं भी खाऊंगा। हाँ हैप्पी लूलू दिलवाएंगे, हैप्पी लूलू मैं भी खाऊंगा। ठीक है चलो चलते हैं, देख के आते हैं। कई सारी साड़ियाँ ले ली हैं मैंने, क्योंकि मुझे काफ़ी सारा काम था उनमें इसलिए। और अभी उसमें फॉल वगैरह भी लगवानी है यार, फॉल मिलेगी इसके यहाँ। चलो कोई ब्लाउज की डिजाइन दिखाओगे क्या भैया? ब्लाउज की डिजाइन बने हुए तो चले, सब सिंपल ही है थोड़ा बहुत तो। अरे बाप रे गिर गई, गाय गिर गई। डिजाइन जैसा हम ऑनलाइन निकाल के लेके आते हैं फोन से। अरे उस दिन बोर्ड नेक का देखा था ना यहीं पर, ऑरेंज कलर में था वो, ऑरेंज कलर में। वो तो नहीं, उसमें कंगूरे बने हुए थे इस टाइप से। हाँ वही बने हुए थे, लेकिन खाली बोर्ड नेक ही बनाना, वो मत बनाना डिजाइन जो इस टाइप से पीछे बने हुए थे, वो मत डालना। ताज तो हम अभी आए थे तक्ष के लिए, केक ले लिया। अब चलते हैं बाहर, टाटा थैंक यू तो बोलो। थैंक यू, चलो संभल के। चलो पूछें इससे फॉल मिलेगी क्या? खुले पैसे तो लेके नहीं आई मैं, चलो पूछ लेते हैं, क्योंकि वो वाली साड़ी है उस पर भी नहीं लगी अभी तक। फॉल होगी क्या आपके पास? हाँ? ब्लू कलर में। तो हमारी देवरानी जो बना रही है चाय, यार इन आलू के साथ तो पूरी अच्छी लगती है ऐसे। ना हम नहीं खा रहे, हम नहीं खाएंगे। अच्छा अभी क्या बनेगा? अभी तो बस मुझे कुछ देखो भाइयों, वैसे देखो भाइयों और बहनों, हम तो हैं इस घर की महारानी, तो अब हम कोई काम करेंगे नहीं। आज हमें ये टैग मिला है ना बाबा। तो अब जो भैया महारानी बोल रहा हाँ। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हो चुका है और अभी मैं सो के उठी थी तो सोचा चलो आज अभी से व्लॉग शुरू कर लेती हूँ। तो बस कल शाम खाना वाना खा के ना बना के हम लोग सो ही गए थे क्योंकि मेरी बैक में ना बहुत पेन हो रहा था। बिकॉज हम लोग जब गए थे तो तक्ष को मुझे मतलब गोद में ही रखना पड़ा था, एक ही हाथ पे रहे थे वो। तो मेरी शायद कोई नस खस गई है या कुछ हुआ, दब गई है, तो वही पेन हो रहा था। तो इसलिए मैं फिर लेट गई थी आराम करने लगी। अभी भी बहुत पेन हो रहा है लेकिन नहीं, उठना तो पड़ेगा ही। और आज हम कहीं जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊँगी, तो बने रहिएगा। और फिर चलते नीचे भी क्योंकि चाय वगैरह पीनी है, ब्रेकफास्ट करना है इसलिए। और क्या बोल रही थी, चलो बने रहिएगा, अब दिखाते ही रहूँगी आपको डायरेक्टली। हे गाइस, तो सुबह मैं जब घर के आई थी उसके बाद चाय वाय पी के अब बना रही हूँ खाना। मैं तो नहीं बना पा रही हूँ, मेरे हाथ में हो रहा है दर्द, इस वाले हाथ में बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है। तो बस खाना बनना है और उसके बाद रोटियाँ वोटियाँ सेक के फिर जाएंगे हम। मैंने जैसे कि बताया था कि मेरे मायके में है फंक्शन, तो बस उसी लिए आज हम जा रहे हैं। आज है रामायण पढ़ी जाएगी, तो मेरा मन हो रहा है कि मैं वहाँ जाके रामायण वगैरह पढ़ूँ थोड़ी सी, तो इसलिए जाइए और आपको भी दिखाइए। तो बने रहिएगा, खाने में मैं दिखाती हूँ क्या बनना है। खाने में बनना है फिलहाल गोभी आलू गाजर की सब्ज़ी, धनिया भी काट के डाल दिया था मैंने, हो गई है ये कि हमारे ऐसे ही खाई जाती है। मुझे तो फिलहाल ऐसी पसंद नहीं है, मैं अपने लिए अलग बनाऊंगी, मतलब इसके चटकाऊंगी थोड़ी सी। तो इन लोगों के लिए हो गई है, इन लोगों के लिए मैं निकाल दूँगी और अपने लिए थोड़ा और इसको फ्राई करूँगी अभी। तो बस अभी वही कर रही हूँ फटाफट। गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने सूट वेयर किया है अभी। जैसे कि मैंने बताया था, मैं पता तैयार हो गई और फिर सो गई थी। अब भी कॉल आया था मेरे घर से वापस कि आ नहीं रही हो, तो मैंने सोचा हाँ वहाँ भी जाना है तो इसलिए चलते हैं। तो बस अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, तक्ष को रेडी करना है और फिर भाई आ जाएगा लेने के लिए, फिर मैं उसके साथ चली जाऊँगी। और मे भी मैं आज वहाँ नाइट स्टे करूँ या फिर अपने घर आके स्टे करूँ, वो मैं देख लूँगी, जैसे अकॉर्डिंग जैसा रहेगा वैसा करूँगी। तो बस अब चलते हैं फिलहाल और आपको भी दिखाते हैं वहाँ पर। अभी तक्ष को रेडी करना है, तक्ष रेडी नहीं हुए हैं। हे गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ मायके। जैसे कि मैंने निकलने से पहले आपको बताया था मैं जा रही हूँ। तो अभी भैया मायके आए हैं तो चाय वाय तो पियेंगे, उसके बाद हम वहाँ जाएंगे। तो बस चाय पी के खाना में भी वहाँ खाएँ या लौट के यहाँ खाते हैं, वो डिपेंड करेगा, अभी हमें कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो बस चाय पी के निकलते हैं, शाम भी होती जा रही है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ और बने रहिएगा। आज अब आगे का ब्लॉग भी मैं अभी से शुरू करूँगी वहाँ पहुँचने के बाद, तो प्लीज़ कंटिन्यू रहिएगा और देखते रहिएगा मेरे चैनल को। और नए आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर, कमेंट्स और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।